सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। मैं दरवान बोरेवाल। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज हमारा ऑफ है, छुट्टी का दिन है। तो आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग बना के शेयर करूँगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी हमारा लंच का काम हो रहा, रूम पर ही खाना बनता गाइज। आप लोगों को तो पता ही होगा, एक होटलियर बंदा छुट्टी के दिन किस हिसाब से अपना टाइम आगे को निकालता है। तो गाइज ये हमारे शिव साहब हैं। आइए शिव साहब, चाइनीज सेब हैं, ओम से। नमस्कार सारे भाई भाई बहनों को। और मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि आज चलो मेरे कहा तो अपने दोस्त के साथ थोड़ा लाइव बैठ जाते हैं, इस करके लाइव आया हूँ। और इनका ब्लॉग का नाम है दरवान मनीषा उत्तराखंडी ब्लॉग। मैं सबको हार्दिक है, प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मैं चलता हूँ भाई। थैंक यू सेब साहब। तो गाइज अभी हमारे सेब साहब खाना बना रहे हैं, अभी लंच की तैयारी चल रही। तो अभी राइस चढ़ा रखा, बट अभी सब्जी नहीं बना रखा। मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ, सेब साहब तो नॉनवेज खाते हैं, पर आज मेरी वजह से वो भी नॉनवेज नहीं खाएंगे। और फिर मैं वेजिटेबल लेने जाऊँगा तो सेब साहब बनाएंगे अपने तरीके से, अच्छे से कुक करके बनाएंगे। तो गाइस फिर आगे का वीडियो हम बनाते रहेंगे किस हिसाब से एक होटलर बंदा अपना टाइम व्यतीत करता हॉलीडे के दिन। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अच्छा लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो बनता गए। अपने उत्तराखंडी भाई को सपोर्ट कीजिएगा, बहुत प्यार दीजिएगा। फाइनली मैं मार्केट पहुंच चुका हूं अभी वेजिटेबल लेने के लिए। तो ये मोदीपुर चौराहा है गाइज, और इस तरह से फ्रूट का भी यहाँ पर रेड़ी लगा हुआ है। कुछ टाइम पहले मेरी फैमिली यहाँ थी तो यूबी के लिए यहीं से ले जाता था गाइज मैं फ्रूट। और काफ़ी ज़्यादा धूप भी है इस टाइम पर और क्राउड भी है, तो निकलता हूँ वेजिटेबल लेने के लिए गाइज। आगे एक छोटी सी मंडी है तो वहीं से थोड़ा बहुत जो भी साग सब्जी है गाइज वो लूँगा। और मैं पहुँच चुका हूँ मंडी पर। ये प्याज टमाटर और टोटल जो भी वेजिटेबल है गाइज काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और बहुत अच्छे रेट पर मिलता है गाइज। और मैं जब फैमिली यहाँ थी तो यहीं से पर डे यहीं से ले जाता था जो भी वेजिटेबल चाहिए होता था घर के लिए, फैमिली के लिए। तो ये हमारे चाचा जी हैं, और अभी मैं तोरी ले जाऊँगा, प्याज और टमाटर, ग्रीन चिल्ली ले जाऊँगा। तो फाइनली गाइज मेरा वेजिटेबल पैक हो चुका है, अब साइकिल पर लगा के मैं निकलूँगा गाइज रूम के लिए। और हमारे शिव साहब वेट कर रहे होंगे क्योंकि राइस बना चुके थे, तो अब मुझे फटाफट निकलना पड़ेगा गाइज। गलियों से रास्ता गाइज इस तरह से, काफ़ी सुंदर प्लेस भी है गोरखपुर में, साफ सुथरा अच्छा ही है एरिया, बहुत सुंदर है। तो आगे रूम के लिए निकलता हूँ। तो फाइनली मैं रूम के बाहर निकल गया हूँ, यहीं पर किराए पर रहते हैं गाइज हम। और वेजिटेबल भी ला चुका हूँ, और काफ़ी ज़्यादा पसीना भी हो रहा गाइज क्योंकि धूप ज़्यादा ही हो रखी है आज का टाइम में। और अब निकलता हूँ फटाफट कि शिव साहब क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और चाय के लिए दूध भी लेके आया हूँ गाइज, अभी टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया बट चाय नहीं पी रखे हैं अभी हम, तो चाय भी पियेंगे। और रूम पर पहुँच चुका हूँ अभी, तो देखता हूँ शिव साहब क्या क्या कर रहे हैं। तो गाइज अभी 1:45 होने वाला है, और अभी हमारा टी टाइम हो रहा क्योंकि होटलर बंदा जो भी है लेट उठता है, फिर कपड़ा धोना, नहाना धोना, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो गाइज हमारा अभी टी टाइम हो रहा, 2 बजने वाले हैं, 1:45 हो चुका है, और अभी हमारा टी टाइम हो रहा गाइज। और चाय बिस्किट चल रहा हमारा, और हमारे शिव साहब ने बनाया था चाय, वो अलग बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ। तो गाइज कैसे हो? अभी लंच का टाइम थोड़ी मतलब 3 बजे जाएगा, लगभग 3 बजे करीबन या 4 बजे हम लंच करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। और हमारे ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए आप लोग इसी तरह से, और सारी चीज़ें दिखाएंगे आप लोगों को कि एक होटलर बंदा छुट्टी के दिन किस तरह से रहता है और क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, है कि नहीं शिव साहब? आइए इधर आइए, इधर आइए। नहीं हाँ सब्जी बन जाएगा, अभी बैठ जाइए।
अभी तो चाय पिया, फिर लंच करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और तो गाइज आप लोग भी चाय पी लीजिए, अभी तो हमारा मॉर्निंग टाइम है, तो अभी मॉर्निंग टाइम में चाय हो रहा और शिव साहब घर पर फ़ोन लगाए जा रहे हैं। तो गाइज फ़ोन कर रहे हैं शायद, अभी कहाँ कर रहे हो, म्यूजिक ना आया, ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ तो गाइज हमारे शिव साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को। अभी खाने में क्या क्या बना रहे हो शिव साहब? बस खाने पे राइस बन गया है, राइस बन चुका है जी, और साथ में अब वेजिटेबल्स वेजिटेबल ही हम लोग खाते हैं। और वैसे तो आप नॉन वेज खाते हो, पर मेरी वजह से आज वेजिटेबल खा रहे हो। नॉन वेज तो कभी कभार होता है ना, जैसे मैंने भी एक बार हो गया, नहीं तो ऐसे ज़्यादा वेजिटेबल खाना मतलब शरीर के लिए फायदेमंद है। जी जी जी, नॉन वेज तो ठीक है, जो नॉन वेज खाते हैं सारे खाते हैं, तो लाम भी खा लेते हैं कभी कभार, मैंने भी एक बार जी अच्छा भी लगता है मैंने भी एक बार खाना, बाकी तो वेजिटेबल सेहत के लिए शरीर के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। जी जी, तो आप जिम भी करके आए हो क्या? अभी बिल्कुल डोले सोले लग रहे हैं आपके। हाँ, क्योंकि मैं पहले जिम करता था। हाँ और जी 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 सॉरी, पहले मैं जिम भी करता था और प्लस मैं मार्शल आर्ट भी करता था जी, क्योंकि मार्शल आर्ट भी मैंने 2 साल कंटिन्यू किया जी। कंटिन्यू करने के बाद मैं ब्लैक बेल्ट में पहुंच गया था, उसके बाद जो है तो बस अपनी मतलब लाइफ थोड़ा चेंज हो गया, लाइफ चेंज हो गई है तो हो जाती है। तो अभी टाइम कट रहा, होटल लाइन में ठीक हो रहा, मस्त हो रहा है कि नहीं सर? बिल्कुल, परिवार चल रहा। तो गाइज मैं भी कर चुका हूँ, 2-2.5 साल किया हूँ, बट अभी छोड़ दिया हूँ, काफी टाइम हो गया, तो इस वजह से बॉडी भी एकदम ये देखिए अभी हाँ, मतलब फिट है, फिट है अभी, फिट ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मतलब जो भी हो मतलब सही है अभी इस उम्र में। तो गाइज अभी देखिए शिव साहब की बॉडी एकदम तंदुरुस्त है एकदम, मैं तो जिम छोड़ दिया हूँ काफी टाइम से, तो मेरा मान झूल जाता है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टाइम के हिसाब से होता है ना हर चीज जी। अगर या तो हम कंटिन्यू करते रहे तो मतलब शरीर की फिटनेस जो है मतलब सही रहेगा। जी जी जी, अगर हम पहले करते थे आप छोड़ दिए मतलब टाइम नहीं होता, देखो आप कमाने वाले आदमी है, जी जी कमाना बहुत जरूरी है जी, फैमिली लाइफ में अगर लाइफ में जीना हो तो अच्छी, अगर लाइफ चलाना हो तो कमाना बहुत जरूरी है जी, याद कीजिएगा आप लोग जी, कमाना बहुत जरूरी है, प्लस उसके साथ जो भी कुछ भी होता है प्लस लेके चलना हमें। जी जी जी, स्ट्रगल करते रहिए लाइफ में, स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है जी जी जी, सेहत के लिए और हर परिवारों के लिए। जी जी जी, तो ये अच्छा लगता है टाइम में। हम तो हमारे कहना मेरे कहना यही है, आप लोग करते रहिए जो भी करते हैं, प्लस जॉब भी करते रहिए और फैमिली को भी केयर कीजिए, फैमिली में घर फैमिली को मेंटेन रखिए सही, वो सबसे बड़ी होती है, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी फैंकी होता है ये होता है वो होता है, सब छोड़ के जाना है। जी जी, अपना बस करते रहिए, अपने लाइफ जब तक है खुशी खुशी खुश जी है जी, और किसी के दबाव में मत आइए। जी जी जी, बस अपने लाइफ में यही होता है, बस चलते रहो, कमाते रहो, खाते रहो, इंजॉय करते रहो, मस्त लाइफ कहते हैं जी, सब छोड़ के जाना है। जी जी जी, लेके कोई भी नहीं जाता जी, कहते हैं ये हो गया, इतना हो गया, ये हो गया, हो गया, ये जानना, सब यहीं रहना, सब यहीं पे छोड़ के जाना है, बस ये है कि जब तक है मस्त रहो और व्यस्त रहो। और मैं ये भी कहता हूँ कि सब कुछ छोड़ के जाना, ये नहीं कि सब खाना भी है, नहीं ऐसे भी नहीं है, जो अपना घर परिवार फैमिली मतलब सही सलामत चलते रहे जी जी, कभी उनको प्रॉब्लम ना हो जी, तो इस हिसाब से चलते रहे जी, तो अच्छा लगता है। ये नहीं कि चलो घर में भी डैमेज करके, घर में भी जो भी हो मतलब पूरा ना कर पाए, और अपना खाते रहे पीते रहे, उधर खाना पीना उधर भी जरूरी है, इधर भी जरूरी है, साथ में मतलब जो बची है वो संपत्ति है जी, जी, बाकी तो छोड़ के जा रहा है कुछ नहीं है जी जी, बाकी इतना तो हमने कर चुके हैं, करके बैठ गए हैं, अब फिर भी अपने लाइफ में जीने के लिए टाइम पास हो रही है, कर रहे हैं, 2400 रुपये आ रहे हैं, हो रहा है टाइम पास ऊपर वाले की कृपया से जी। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है बाबा मैं चलता थोड़ा। तो गाइज बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर अभी कंटिन्यूली, और शाम तक हमारा ब्लॉग आएगा, शाम को या सब कल मॉर्निंग में ही आप आएगा, और बाकी जो बातें मेरे शिव साहब बोले हैं, हेड शेव हैं, चाइनीज हैं, सीढ़ी पी शेव हैं, तो मैं लेके चलेगा, अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और बाकी अभी थोड़ी देर के बाद कंटिन्यू बने रहिए हमारे ब्लॉग पर, और शाम तक हम सारी चीज़ें जो भी हमारा दिनचर्या होता है छोटे के दिन जैसा भी होता है वो आप लोगों तक शेयर करूंगा, और किस हिसाब से एक होटेलर बंदा छुट्टी के दिन अपना सब चीज़ें एडजस्ट करता है, और हम लोग तो सोते नहीं ज़्यादातर
तब तो लड़के जो भी हैं सोते रहते हैं, है कि नहीं सर साहब? दिन भर सोते रहते हैं, लेकिन हमारा टाइमिंग वही रहता है, ड्यूटी जाए ना जाए अपना टाइमिंग के हिसाब से ही चलते हैं, और उसी टाइम पर जगना है, उसी टाइम पर सब चीज़ें करना है, बाकी थोड़ा घूमना फिरना ये सब चीज़ें तो छुट्टी के दिन होता ही है गाइस, क्योंकि रूम पर बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा मतलब बोर हो जाते हैं। भी तैयार हो चुका है लंच, कितने खाने की तैयारी कर रहे हैं हमारे सेफ साहब और खुद ही बना रखे हैं। तो गाइस शायद मुझे लग रहा है शर्मा रहे हैं वो, क्योंकि अभी लंच का टाइम हो रहा है। गाइस फाइनली हमारा लंच बन चुका है, इस तरह से तोरी और लौकी एक साथ, बाकी राइस है गाइस। और तो गाइस अभी लंच हो चुका है हमारा फाइनली, सेफ साहब बहुत मस्त बनाए थे और एकदम वेजिटेबल मस्त जिसको बोलते हैं घर की स्टाइल में, होम स्टाइल में बनाए थे, बहुत अच्छा लगा, भरपेट का खा भी चुके हैं हम लोग। और तो सिर्फ साहब आप कुछ बोलोगे हमारे दर्शकों को? बस मैं ये बोलना चाहूँगा दरवन जी और मनीषा उत्तराखंड ब्लॉग में सबको, आप लोगों को सबको अभिनंदन है, अभिनंदन करता हूँ कि प्लीज इस उस ब्लॉग में कोई भी जुड़ते हैं, आप लोग सारे जुड़ जाते हैं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें प्लीज, क्योंकि हमारे ये दरवन भाई जी है, इनको थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा कि थोड़ी भी ये आगे थोड़ा आगे जा पाए, कुछ मेहनत बहुत कर रहे हैं जी जी जी, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत अनुसार आप लोग कुछ लाइक कर दीजिए जी, कुछ नहीं बिगड़ना है, फोन में आपको लाइक कर देना है, शेयर और कमेंट कर देना है और सब्सक्राइब, बस सब्सक्राइब कर देना है और कुछ नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं लगता जी, इंटरनेट का जमाना है जी, कोई हमेशा तो फालतू का नेट चलाते ही हो है, और थोड़ा सा आपके सपोर्ट से अगला बंदा आगे कुछ कर ले तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग भी अगर नेट चलाते हैं मतलब कोई भी मतलब कोई जो ब्लॉग बनाते हैं जी, तो हमसे फिर भी प्लीज संपर्क रहिए, करिएगा तो हम भी लाइक कमेंट शेयर करेंगे और आगे शेयर करेंगे जी, आप लोगों को हम आगे बढ़ाने की प्रयास जरूर करेंगे जी जी। तो गाइस अभी फाइनली हमारा लंच हो चुका है, बहुत अच्छा बनाए थे सेफ साहब, वेजिटेरियन नहीं खाते हैं हम लोग छुट्टी के दिन, सेफ साहब ऑलरेडी नॉनवेज खाते हैं और एग हो गया नॉनवेज, इसी वजह से सेफ की बॉडी देख रहे होंगे, क्योंकि बॉडी को मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करते हैं, और हमें 13-14 साल हो गए एक साथ काम करते हुए, है कि नहीं सेफ साहब? इससे पहले दिल्ली में थे, दिल्ली में भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ और बहुत अच्छे से दोस्ती यारी की तरह बहुत अच्छा चला और अभी तक चल रहा, फिर मैं गोरखपुर आ गया, 3-4 साल करीबन हो गए गोरखपुर में, तो 3-4 साल के बाद फिर सेफ साहब का भी फिर कांटेक्ट हुआ, फिर मिले दोबारा तो यहाँ आ गए और अच्छा लग रहा, सेफ साहब का तो बहुत नज़दीक भी हो गया यहाँ आने के बाद, हर महीने घर जाते हैं, दिल्ली से तो काफ़ी दूर पड़ता था, तो हैप्पी हो ना सेफ साहब इधर भी? बिल्कुल हैप्पी है, हम तो कहीं भी जाते हैं हैप्पी है, फिर भी मतलब थोड़ी पास में आ गए और जी, है, जी, जी, जी। अपने भाई लोग यार लोग मिल जाते हैं और खुश है जी जी, और क्या है सारा कहीं भी जाते हैं अपने मतलब भाई लोग यार लोग मिल जाते हैं, हम खुश रहते हैं, कहीं भी जाते हैं खुश रहते हैं, और खुश रहना सीखिए जी जी, और हर हमेशा एक दूसरे से जुड़ते रहिए, क्योंकि इंसान कब कहाँ मिल जाए, है कि नहीं सेफ साहब? कहीं भी जाते हैं आलू आए कंटेक्ट में रहिए, बस बस वही सबसे बड़ी होती है, बाकी तो 2 दिन की जिंदगी है गाइस, हंसो खिलो फिरो मस्त रहो, वही अपना है कि नहीं सेफ? बिल्कुल, सबके लिए अच्छा सोचो अच्छा करो, वही चीजें साथ में ले चलता है इंसान, बाकी कुछ नहीं रह जाता है, बस अच्छा बुराई इस दुनिया में रहता है गाइस मेरे हिसाब से, और बाकी आप लोगों को भी यही मतलब सोचते होंगे कि ले जाना कुछ नहीं है इंसान ने, बस सब कुछ यहीं रह जाना है, बस प्यार मोहब्बत यहाँ रहता है और जो किया होगा इंसान ने वही रह जाता है, बाकी कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं गाइस, तो सपोर्ट कीजिएगा अपने उत्तराखंडी भाई को, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत और लगन से ये काम करते हैं, और काफ़ी लोग हंसते भी हैं जैसे वीडियो बनाते समय या वीडियो किसी के सामने कैमरा फेस करते हैं तो लोगों को हंसी आती है, सोचते हैं यार कि ये बंदा हर हमेशा वीडियोग्राफी करता है या वीडियो शूट करता है, तो गाइस मेरा यूट्यूब में आने का, यूट्यूब से जब से आ रखा हूँ मैं, जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ तो लोगों को हंसी भी आती है, और बहुत सारे लोग बोलते भी कि यार वीडियो क्यों बना रहा, कि क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा, ठीक है अपने अपने सोच है अपना अपना काम है, मैं तो गाइस मैं भी अपना काम समझ के पर डे जितना हो सके यूट्यूब में काम करता हूँ, तो आप सिर्फ सब क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को जो? बस मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखिए बुराई तो हमें किसी को नहीं करना जी जी जी, किसी के बारे में बुराई भी नहीं करना है, बुराई सोचना भी नहीं है जी जी जी, ठीक है,
जो भी मेहनत कर रहे हो जी जी ठीक है जी, उसके लिए मैं सलूट मारूंगा जी जी। थैंक यू थैंक यू, मेहनत करते रहिए जी जी, ठीक ना, एक दिन बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे जी जी जी। ठीक है, हंसने वाला ठीक है, वो हंस रहे तो ये सोचिएगा तो अच्छे के लिए हंस रहे हैं जी जी जी, ठीक है, ये नहीं कि वो हंस रहे हैं तो मतलब बुरा मानो, ये है मतलब वो चीज नहीं है, वो अपने अपने मतलब माइंड से निकाल देना जी जी, जो हंस रहे तो अच्छे के लिए हंस रहे हैं जी 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 जी, तो उस चीज में हमें जो माइंड नहीं करना जी जी, तो यही सोच के मैं अभी चलता हूँ कि यार बिल्कुल जिसको जिस हिसाब से थॉट सोचना सोचते रहेगा, बाकी जो मेरा काम है मेरा बेस है जैसा मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है कि नहीं सिर्फ साहब? बिल्कुल बिल्कुल, तो यही चीजें हैं। बाकी छुट्टी का बहुत अच्छा दिन रहा आज, काफी दिनों के बाद एक महीने के बाद ही छुट्टी मिल ली मुझे, और सिर्फ साहब के साथ छुट्टी करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा सा व्यतीत हुआ छुट्टी का। अभी लंच कर भी चुके हैं हम, नहीं तो मैं टाइमिंग से तो मैं छुट्टी के दिन कभी लंच भी नहीं कर पाता हूँ, वही 3-4 बज जाता है बस। आज सिर्फ साहब की कृपा से सुबह चाय भी मिल गया और टाइम से खाना भी मिल गया, सब चीजें हो गया। तो देखते हैं आगे को, अगर फिर नेक्स्ट वीडियो शूट कर पाएंगे, नेक्स्ट ब्लॉग बना पाएंगे तो आप लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे। और अब हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त की ओर कर रहे हैं गाइस, और जैसा भी लगा होगा हमारा वीडियो और पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सपोर्ट कीजिएगा अपने उत्तराखंडी भाई को और दिल से कीजिएगा गाइस, और ताकि यूट्यूब में जो यूट्यूब की जर्नी जो है गाइस मेरी थोड़ा आगे तक पहुंच सके, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। तो इसी तरह से हमारा हर वीडियो पर डे जितना हो सकेगा अपलोड करता रहूँगा, डेली ब्लॉग करते रहूँगा गाइस। वैसे हमारा प्रॉपर कुकिंग का काम है गाइस, लेकिन कुकिंग का नहीं कर पाता हूँ प्रॉपर, क्योंकि ड्यूटी के टाइम ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होता है कि नहीं सिर्फ साहब? तब भी मैं कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। बाकी गाइस आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो मैं एक दिन खुद का ही किचन बना के, खुद के ही किचन में सारे जो भी खाने की डिशें हैं, इंडियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज, तंदूर और मैक्सिमम और साउथ इंडियन जो भी डिशें हैं गाइस, जितना भी 14-15 साल से मैं सीख रखा हूँ वो आप लोगों तक शेयर करूँगा। बाकी हमारे शेफ साहब तो कई ब्लॉग में आ चुके हैं, आपके आपको तो पता ही होगा कई डिशें शेफ साहब ने लाइव बना के आप लोगों तक शेयर किया है। तो गाइस शेफ साहब चाइनीज सीढ़ी भी सेव हैं, तो सपोर्ट कीजिएगा आपने उत्तराखंडी भाई को। बाकी इससे साहब आप बोलेगा कुछ? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी आज हमारा ऑफ डे है जी जी, ऑफ डे के दिन में मतलब घर थोड़ा एक आधा वीडियो घर में हो जाए जी जी जी, उसके बाद इन टाइम में आप लोगों को जरूर जी जी बाहर भी सीनियर वीडियो करके देखेंगे आप लोगों को जी, शाम तक इवनिंग टाइम पे, हाँ इवनिंग टाइम पे अब जो मतलब जैसे आप घर में बैठे हैं जी, तो इवनिंग टाइम में थोड़ा बाहर की मतलब सीनियर मतलब वीडियो करके मतलब वहाँ से आप लोगों को जरूर दिखाएंगे जी जी जी, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए जी जी जी, क्योंकि हमारे तरुण भाई जी बहुत मेहनत कर रहे हैं जी जी जी, क्योंकि हम भी सपोर्ट करते हैं जी जी जी, और आप लोग भी सपोर्ट करते रहिएगा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए सलूट मारता हूँ, धन्यवाद, बाय बाय। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, नेक्स्ट टिप पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और शुभ दिन आपका, और क्या बोलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे पर, नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय नेपाल, है कि नहीं सिर्फ? बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय बोल दो सिर्फ साहब, बाय 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 बाय।